उसी का खामियाजा इनको वोट के माध्यम से भुगतना पड़ रहा है, और उनके अंदर सुधार नहीं है तो आगे भी भुगतना पड़ेगा। अभी बहुत से चुनाव होने 27 में 29 में, इन लोगों को मुंह 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 के बल गिरना पड़ेगा। स्मरण सबके लिए नहीं रहा, हाँ भैया बड़वर के गद्दारी की ना सब अधिकारी लोग, हाँ अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी लोग, हाँ अब बाहर के आए हैं, अपना महंगा जमीन का दीन है, गरीब भाई कहाँ जाए खरीद पाएंगे। मान लीजिए हम लोग के पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं विस्थापित करा देंगे वो करा देंगे, तो हम लोग को जैसे दुकान हम लोग की गई थी, हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बिहार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते। कि हमने सोचा कि चलो भाई अच्छा दिन आएगा, बढ़िया रोटी दाल रोटी चलेगा, मगर अब मकान सब टूट गया सबका, फिर से पैसा लगा के बनवाए, जिसके पास नहीं पैसा है वो कैसे बनवाए, कितनी परेशानी से हम लोग झेले हैं, पैसा नहीं था कोई देने वाला। बहुत लोग तो इसमें व्यापारी ऐसे है जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, किसी अन्य चीज से, ऐसे ऐसे लोग भाई जिनका परिवार में आपके अगर एक आदमी की मृत्यु हो जाए तो आप दो चार दिन बाद रो करके फिर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन किसी की रोजी रोटी छिन जाएगी तो पूरा परिवार समझ लीजिए मृतक हो जाता है। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा लोगों की भरी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले। हाँ भैया हनुमानगढ़ी का किराया परत है, कितने वर्षों से आप लोग ये दुकान की है? ये भैया मंदिर नहीं टूट रहा तब का है, हाँ हमारे दादा बाबा का जन्म कर्म यही है, मेन रोड पर घर है हमारे, सब यही रहे वाले हैं। कितनी छोटी दुकानें थी, कितनी बड़ी दुकानें थी? ये हाँ। ये रहा भैया 20 फुट रहा, 15 फुट चौड़ाई रहा, 20 फुट गहराई रहा ना। अच्छा जब तोड़ा गया, हाँ तो आप लोग को क्या कहा गया, कितना मुआवजा वगैरह दिया गया? मुआवजा 2.5 लाख रुपया दिए रहे भैया, हाँ मुआवजा उससे ज्यादा बनवाई लाख दवा है, फिर खरीदन 5-10 लाख का खरीदन 15 फुट जगह खरीदा, हाँ खरीदा भाई सब रोक दिन कहाँ जावा जाए, 50 रुपया था। कितना परिवार आप लोग का चलता था परिवार? हमारे हैं 4 लड़कियां हैं, अब की वही चिंता हमारा आदमी खत्म हो गवा, 11 मई का साल भर पूरा भवा है, और 4 लड़कियां हैं, 3 बहू हैं, तो 3 ठू नाती पोता है, सब इसी से गुजारा बना, हाँ यही से चला था भैया, लड़के ठेला लगावत है यार, हर पुलिस मारत है भगावत है, हर पुलिस मारत भगावत है, क्या करी। जो 2.5 लाख रुपया मिला उससे आपका निर्माण हो पाया, काम हो पाया, जो मुआवजा उचित लगा आपको? उचित लगा यही लगाए भैया दुकान में, सही था मुआवजा मिलना उतना मिलना, हाँ उतना मिल गया है भैया, होना चाहिए क्या, हाँ आप लोग के लिए क्या होना चाहिए था उस समय, क्या हुआ उस समय? कुछ नहीं भवा, खाली बनवावा गए, फिर दुकान लगावा गए, फिर करा कमावा खावा जाता है लड़के, तो ये बताइए जैसा कि पहले आप लोग का था काम, उसके बाद मंदिर बना, कितना फर्क पड़ा आप लोग का काम? क्या फर्क पड़ा भैया, हम सब वह दुकानदारी में अंतर है थोड़ा बहुत, 19-20 है, एक ना कह 19-20 बाय, बोला भैया का करा जाए, जैसे भगवान बिताइए वैसे बितावत बात है, का करा जाए। क्या क्या समस्या आई जब चौड़ीकरण हुआ था, आप लोग के सामने अधिकारी ने क्या कहा कि मैं कितना देना है, क्या देना है? अब का दिन अधिकारी कुछ नहीं दिन, वो 2-2.5 लाख रुपया दिन है, हमें लगा दिया 5 लाख दे के और खरीदन बनवायन, वहाँ पैसा लाग 3-4 लाख रुपया ले, और का किया गया, खावा कमावा खावा जाता है, लड़के लोग ठेला लगावा थे, ठेलिया लगावा था अपन, अब 4-4 लड़के है वहाँ गुजारा हो पाई, मतलब दुखी हो आप लोग? तब का दुखी तो भैया है, दुखी चरण में हमारा भी मकान था, समस्या सब वही जाके दिखता है कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए, सही बात, रीजन यही था, रीजन यही था, जो सरकारी योजना आई सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए, किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। क्या होना चाहिए था मुआवजा? मुआवजा जैसे एक दुकान 10 फुट का 20 फुट का जा रहा है 2 लाख मिल रहा है, नई दुकानें बना के आप 20 लाख में दे रहे हैं, टेढ़ी बाजार पे जो दुकानें बनी है सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है, वो आदमी ले ही नहीं पाएगा। कितना आपका गया है?
हमारा तो 20 फुट चौड़ा था, 10 फुट गहराई था, इतना गया था, दो मंजिला मकान था। पूरा चला गया? पूरा नहीं गया, गहराई और था। चार लाख रूपये। अब मकान की अब उसको 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10x10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं जो बिल्डिंग में बनी है। आप लोगों के साथ कहने का छल हुआ? छल तो हुआ ही है, इसी मारा ये दिक्कत आया है। सांसद मेन यही चौड़ीकरण से आदमी संतुष्ट नहीं था, और भी प्रोजेक्ट जैसे गली गली चौड़ा होना है, वो करना है, आदमी की सोच यही आई कि ना दिया जाएगा तो ये काम रुक सकता है। उचित मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। एक सामने थे हमारी चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला था। कितनी बड़ी दुकान थी? वो 10x10 की थी। किसकी दुकान थी? वो इसी में माला वाला की दुकान थी हमारी। 1 लाख रुपए मिले और फिर उसके बाद में 1 लाख रुपए जो आपको खत्म हुआ चल गया या दुकानें मिली आपको? कहां हमको दुकान फिर कहां मिली? वो टेढ़ी बाजार पर आवंटित किए थे तो वहां पर उनका जो हमको दुकान आवंटित हुई थी वो 15,04,000 कुछ की दुकानें थी। उसके बाद 8% GST था, उसके बाद 70,000 बता रहे थे कि रजिस्ट्री का लगेगा। वो दुकान थी ये आपका टेढ़ी बाजार में जो बना है विकास प्राधिकरण की थी। उतना बजट ही नहीं था, कहाँ से लेते। उसके बाद वो दुकान मार्केट से एकदम आउट पे है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं ले पाए। ये नई दुकानें दशरथ महल के महन जी ने बनवाया था, क्योंकि हम लोग पुराने किराएदार थे उनके, तो उन्होंने बनवाया, तो अब इधर एक महीना हुआ इस दुकान के लिए। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। 1 लाख रुपये जी। अब क्या किया, इधर उधर से ले होके सब मांग मूंग के, क्योंकि भाई अब बच्चों को भी लिखाना पढ़ाना, अब इस एज में हम लोग क्या कर पाएंगे, मजबूरी में लेना पड़ा हम लोग को। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर वेवर बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। क्या होना चाहिए था? तो हम लोग को उचित होना चाहिए था कि मान लीजिए हम लोग की पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं भी स्थापित करा देंगे वो करा देंगे, तो हम लोग को जिसे दुकान हम लोग की गई थी हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बाजार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते, तो कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी अपना किसी तरह करते वहां से। ऐसा नहीं हुआ। नहीं, न्याय तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 25-25 साल से यहाँ पर दुकान था, उसी के आधार पर हम लोग अपना यहाँ रोजी रोटी अपना कमाते कमाते खाते थे, बच्चों को पढ़ नहीं। हाँ, उम्मीद तो ये थी कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, जब हम लोग का चौड़ीकरण नहीं हुआ था तो ये हुआ कि अब जो 20 साल की तपस्या हम लोग ने किया उसका लाभ मिलेगा, अब दुकानदारी होगी, बढ़िया होगी, उसी समय हम लोग वहां से हट गए, यही कष्ट हुआ उसका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।